नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल गायत्री कुकिंग क्लब में। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। दोस्तों, आज जो रेसिपी आपके लिए लाई हूँ वो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी है, मोस्ट वांटेड रेसिपी आप कह सकते हैं इसे। मेरे व्यूवर्स, मेरे जानने वाले, मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं बेकिंग क्लासेस भी लेती हूँ, उन सबको ये रेसिपी चाहिए थी। ये है स्पॉन्ज केक की रेसिपी। तो मैं आज आपके साथ वेनीला स्पॉन्ज केक की रेसिपी शेयर करूँगी। ये देखिए, ये पूरा होम मेड चीज़ों से बना हुआ स्पॉन्ज है और इसका टेक्स्चर देखिए आप। ये देखिए, मैं आपको जूम करके बताती हूँ। ये देखिए आप, इसका टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम कॉटन की तरह। बहुत ही बढ़िया बनता है ये। लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ स्पॉन्ज केक बनाने की रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसका प्रीमिक्स, यानी कि स्पॉन्ज केक का, वेनिला स्पॉन्ज केक का प्रीमिक्स कैसे बना सकते हैं और उसे स्टोर कर सकते हैं, और जब आपका मन करे तब आप मिनटों में अपना स्पॉन्ज केक रेडी कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी यही है, वेनिला स्पॉन्ज केक प्रीमिक्स की रेसिपी। बहुत ही सिंपल, घर के इंग्रेडिएंट्स से, बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के, बिना किसी स्टेबलाइजर्स के, बिना किसी केमिकल्स के आप इसे आसानी से बना सकते हैं। जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मोस्ट वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें, और रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। यहाँ मैं अपने सारे व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैं जानती हूँ कि मैं आपका ज़्यादा समय ले रही हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह का स्पॉन्ज बनाना चाहते हैं, अगर आप यही रिजल्ट चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे स्किप मत कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है ताकि हम उसी तरह का रिजल्ट अपनी रेसिपी में पा सकें। और मेरी पूरी कोशिश होती है मेरे वीडियोस में कि मैं इतना डिटेल में आपको सब बताऊं ताकि आप जब मुझ पे ट्रस्ट करके कोई रेसिपी बनाएं तो आपको उसका बढ़िया रिजल्ट मिले। तो चलिए दोस्तों, ये बनाते हैं हम वेनिला स्पॉन्ज केक प्रीमिक्स और उसमें से ये स्पॉन्ज केक। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है एक मिक्सर का बर्तन और उसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 कप मैदा। तो ये मेजरिंग कप से मैंने मैदा लिया है, 1 कप और आधा कप। तो ये 1.5 कप मैदा हमने डाल दिया इसमें। इसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ 3/4 कप पीसी हुई शक्कर। ये 3/4 कप है, यानी कि 3/4 कप शक्कर जिसको मैंने पीस लिया है, तो ये भी डाल दूंगी इसमें। इसके बाद इसमें जाएगा 1/4 कप यानी 1/4 कप मिल्क पाउडर। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर जिसे हम कहते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। तो यहाँ जाएगा 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये 1 और ये 2। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, लेवल करके 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो अब इन सारी चीजों को मैं मिक्सर में अच्छी तरह से चर्न कर लूंगी 1 से 2 मिनट तक, ताकि ये सारा मिक्सचर जो है आपस में मिल जाए। तो यहाँ हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल बनके तैयार है, देखिए। और अब मैं इसे एक बाउल में छन्नी लगाकर छान लूंगी ताकि अगर इसमें कोई भी पार्टिकल्स हो या शक्कर के या मैदे के कुछ भी ऐसी गुठलियां हो तो वो रह जाए और हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से छन जाए। देखिए, यहाँ हमने ये सारा जो हमारा मिक्सचर है, जो प्रीमिक्स है, उसे छान लिया है। और ये थोड़ा सा जो है शक्कर जो अच्छी तरह से पिसी नहीं थी, हल्के से लम्स उसके रह गए और थोड़े से मैदे के, तो ये हम अभी डिस्कार्ड कर देंगे, इसे निकाल देंगे। और ये हमें हमारा प्रीमिक्स जो है, केक प्रीमिक्स बाउल में रेडी मिल गया है। अब इसमें यूजुअली तो वेनिला पाउडर भी डाला जाता है, लेकिन मैंने इसे इस तरह से बनाया है ध्यान में रखते हुए कि जो चीज़ें घर पे अवेलेबल हो हम उसी से इसे बनाएं। तो ये आपका वेनिला केक का प्रीमिक्स बिल्कुल रेडी है, इसे आप स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, फ्रिज में। तो ये 6 महीने तक आप रख सकते हैं और जब आपका मन करे आप इससे स्पॉन्ज, वेनिला स्पॉन्ज केक बना सकते हैं। तो अब इसी प्रीमिक्स से मैं आपको बताऊंगी कि हम स्पॉन्ज केक कैसे बनाते हैं। हाँ, मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल और इसमें मैं ये रेडी प्रीमिक्स जो हमने बनाया है वो डाल रही हूँ। तो मैंने लिया है 1 कप और 1/4 कप यानी 1/4 कप प्रीमिक्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे, देखिए।
और इसमें अब मैं ऐड करूंगी ऑयल। तो ऑयल डाल रही हूँ मैं इसमें 1/4 कप यानी कि 1/4 कप और 1 टेबलस्पून ये डाल दिया हमने। अब इसमें मैं ऐड करूंगी वेनिला एसेंस। यूजुअली जब हम प्रीमिक्स बनाते हैं तो हम वेनिला पाउडर मिलता है एक जिसमें खुशबू होती है वेनिला की, वो ऐड करते हैं। लेकिन क्योंकि वो सबके पास अवेलेबल नहीं होगा या आपको ना मिले, इसलिए मैंने इजी करने के लिए क्या किया है, जब भी आप ये प्रीमिक्स बनाएं और वेनिला स्पॉन्ज बनाएं तो आप इसमें वेनिला का एसेंस डाल दें। तो मैं अभी 1 टीस्पून वेनिला एसेंस इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये प्रीमिक्स आप इस तरह से बना लीजिए। और आपको वेनिला फ्लेवर चाहिए तो आप वेनिला एसेंस डालिए, अगर आपको पाइनएप्पल फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें पाइनएप्पल एसेंस डालिए। इस तरह से आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। अब हम इसे मिला लेंगे। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से मैं विस्क से मिला रही हूँ, आपके पास अगर बीटर हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है तो हम इसे पानी से बना लेंगे। आप दूध से भी बना सकते हैं लेकिन मिल्क पाउडर ऑलरेडी है तो मैं अभी पानी यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे दूध से भी बना सकते हैं लेकिन सारी चीजें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ 1 कप पानी ले लिया है लेकिन हमें कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसे बनाना है। तो मैं धीरे धीरे पानी ऐड करूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि इसमें कितना पानी लगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे मिक्स करते जाएंगे हल्के हाथों से। हमें एक रिबन कंसिस्टेंसी बनानी है, मतलब ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए इसका मिक्सचर और ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और मिला लेंगे इसे हल्के हाथों से। लम्स नहीं रहने चाहिए इस मिक्सचर में, हमें ये ध्यान रखना है कि इस मिक्सचर में किसी भी तरह के लम्स ना हो। देखिए ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक रिबन की तरह गिर रहा है, ना ही ये ज्यादा गाढ़ा है ना ही ये ज्यादा पतला है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और इसे बनाने के लिए मैंने यूज किया है लगभग 1/2 कप और उससे 1 या 2 चम्मच ज्यादा पानी लगा है। तो ये मेरा 200 ml का कप है तो इसमें ऑलमोस्ट मैं अगर आपको बताऊं तो 125 ml तक पानी मैंने यूज कर लिया है। तो अब हम इसे बेक करने से पहले इसमें ऐड करेंगे विनेगर, क्योंकि हमने ऐसी कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं की है जो सोडा के साथ रिएक्ट करे। अगर आप चाहें तो इसमें सिट्रिक एसिड ऐड करके रख सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ें इजीली घर पे अवेलेबल हैं वो चीज़ों से मैं प्रीमिक्स बना रही हूँ। तो विनेगर तो आजकल हर किसी के घर पे अवेलेबल होता है, तो मैं अब इसमें 1 टीस्पून विनेगर ऐड करूंगी। देखिए 1 टीस्पून वाइट विनेगर मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लूंगी इस बैटर को। देखिए बैटर को, और आप देख सकते हैं कि विनेगर डालते ही ये बैटर जो है फ्रॉथी होने लगा है, यानी कि हल्का होने लगा है। अब मैंने अपना ओवन प्री हीट कर दिया है 180 डिग्रीज पे 10 मिनट के लिए। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। बेकिंग का जो तरीका है वो मेरे चोको चिप्स कुकीज की जो रेसिपी है उसमें दिया है। तो अब मैं लूंगी टिन। तो ये मेरा एक 6 इंच का टिन है जिसपे मैंने ऑयल लगाकर मैदा लगाकर डस्ट कर दिया है। आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और इस टिन में अब मैं ये बैटर जो है सारा पोर कर दूंगी। देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया है, इसे हल्के से टैप कर दूंगी ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और इसे मैं अभी 160 डिग्रीज पे बेक करूंगी 20 से 25 मिनट तक, या तब तक जब तक कि इसमें से नाइफ क्लियर नहीं आती। पर मैं इसे 160 डिग्रीज पे बेक करूंगी। आप हमेशा अपने ओवन का टेम्परेचर चेक करें। अगर आपका ओवन 180 डिग्रीज पे ज्यादा हीट हो जाता है तो आप जो टेम्परेचर है उसे कम कीजिए और थोड़े ज्यादा टाइम तक इसे बेक कीजिए। उससे होता यह है कि आपका केक जो है वो हार्ड नहीं होता और जलता नहीं है। कम टेम्परेचर पे आप इसे थोड़ा टाइम ज्यादा दे सकते हैं और आप वॉच रख सकते हैं कि आपका केक कैसे बन रहा है और स्लोली वो अच्छी तरह से बेक हो सकता है। तो अब हम इसे बेक करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ ये हमारा स्पॉन्ज इस प्रीमिक्स से कैसे बना। देखिए दोस्तों ये हमारा स्पॉन्ज जो है बिल्कुल तैयार है, ओवन से बाहर आ चुका है। देखिए इसका कलर देखिए और टेक्सचर देखिए और लेवल देखिए। राइट कंसिस्टेंसी पे बैटर बनाने का यही एक फायदा होता है कि हमारे स्पॉन्ज में ऊपर से जो है डोम नहीं आता ज्यादा, वैसे आ जाए तो हम उसे स्लाइस ऑफ भी कर सकते हैं। तो देखिए इस वक्त ये बहुत गर्म है, मैं आपको एक टूथपिक प्रिक करके दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल क्लीन निकली है टूथपिक हमारी, अच्छी तरह से बेक हो गया है ये। तो अब हम इसे ठंडा करेंगे करीब 15 से 20 मिनट या 1/2 घंटा और उसके बाद हम इसे अनमोल्ड करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हमने इसे अनमोल्ड किया तो ये क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा।
तो ये ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं आपको इसे अनमोल्ड करके बताती हूँ। तो स्पॉन्ज हमारा ठंडा हो चुका है और अब हम इसे अनमोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से नाइफ हम साइडों से घुमा देंगे और इसे हम फ्लिप करेंगे। तो ये हमारा स्पॉन्ज जो है बिल्कुल बढ़िया, देखिए बहुत ही बढ़िया स्पॉन्ज, सॉफ्ट स्पॉन्ज बनके निकला है। देखिए इतना सॉफ्ट है इस वक्त, ये इसका टेक्सचर देखिए आप, देखिए अगर आप देख सकें इसका टेक्सचर देखिए आप, कितना प्यारा और स्मूथ टेक्सचर आया है इसका। ये देखिए एकदम स्मूथ और अच्छा से राइज हुआ है, अच्छे से राइज हुआ है, ना हमने कोई बटर पेपर लगाया, ना हमने कोई इसे एक्स्ट्रा एफर्ट से बनाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये स्पॉन्ज केक घर पे बनाया है। तो देखिए आप कितना कलर भी कितना प्यारा आया है इसका, देखिए। तो ये हमारा वनीला स्पॉन्ज हमारे होममेड प्रीमिक्स से बनके बिल्कुल तैयार है, वही सामान जो हमारे घर पे आसानी से अवेलेबल होता है, देखिए आप, है ना बहुत बढ़िया। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं, इसे कट करके दिखाती हूँ मैं आपको अभी। इस वक्त ये थोड़ा सा गर्म है, यूजुअली स्पॉन्ज हमें बिल्कुल ठंडा करके कट करना चाहिए, लेकिन जब मैं कट कर रही हूँ आप देखिए इतना सॉफ्ट है कि नाइफ आसानी से इसके अंदर जा रही है, बिल्कुल कॉटन की तरह, रुई की तरह ये सॉफ्ट बना है। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए इसका टेक्सचर देखिए आप, इसमें कितना ज्यादा ये स्पॉन्ज हुआ है, ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्ज बना है, बहुत बढ़िया स्पॉन्ज बनता है हमारे घर के प्रीमिक्स से। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और कुछ लोग तो वाकई में ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे होंगे जिसमें उन्हें इजी तरीका मिले स्पॉन्ज बनाने का। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। मुझे दोस्तों आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, टिल देन गुड बाय।